तो संथाल के एक दिग्गज हस्ती साइमन मरांडी के निधन की खबर है। उसके बाद सिमडेगा से पूर्व विधायक नील तिर्की के मौत की भी खबर है। इसके बाद से भी श्रद्धांजलियों का तांता लग गया है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है, शोक व्यक्त किया गया और उन्होंने कहा है कि हमने एक विधायक खो दिया है, ऐसा लगता है हमें। तो लगातार एक और क्षति राज्य को, एक राजनीतिक क्षति आप इसे मान सकते हैं। हमारे मित्र रहे हैं, आज के नहीं, जब संयुक्त विहार था, अलग अलग दल में रहकर भी एक दिल मिला करके समाज की सेवा करने का उनके पास जो संकल्प था, प्रतिबद्धता था, वो काबिले तारीफ था। हमारे मित्र चले गए लेकिन उनकी यादें हमेशा बरबस हमको याद दिलाती रहेंगी। और हमने एक मित्र खोया है, झारखंड ने एक अच्छा समाज सेवी, एक अच्छा राजनीतिज्ञ खोया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के प्रति मेरे मन में बहुत ही सहानुभूति है। ईश्वर ऐसे समय में उनके परिवार को मजबूती प्रदान करने का कृपा करे भगवान। बहुत ही दुखद बात है। नील तिर्की जी हम लोगों के गार्जियन की तरह थे। बहुत सारे अनुभव हैं सुखद उनके साथ। और हम लोग राजनीति में जब से काम करना शुरू किया उनसे बराबर मार्गदर्शन भी मिलता रहा है। बहुत दुखी हूँ मैं उनके मृत्यु की खबर से। और इस वक्त मैं उनके परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहती हूँ और उनके दुख के समय में कांग्रेस परिवार के हम सभी लोग उनके साथ।